वे तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, उड़ के रचोली मुझे अपने रंग में रंग दे, संग खेल मेरे होली आसन। वाह भाई वाह भाई, इतना बढ़िया, इतने बढ़िया बन गए। कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगल में रहे, तो इसलिए सभी यात्रियों से निवेदन किया जाता है कि अधिकारियों का सहयोग करें और एक ही लाइन में खड़े। भाई इसे गोल गोल नाच के जाना है। फाइनली दोस्तों हमें हमारा RFID कार्ड मिल गया है। यहाँ से पहले हमने अपनी KYC करवाई एंड उसके बाद में हमें हमारा RFID कार्ड भी मिल गया, तो ये काम भी हो गया है। अब हमें चलना है एक और जगह पर जहाँ पर हमारा मेडिकल वगैरह चेक होगा, उसे भी हम चेक करवा देते हैं और फिर देखते हैं जगह बैठने हटने की। बहुत देर की मेहनत करने के बाद में हम लोग नहा धो करके रेडी हो चुके हैं और इस टाइम हो रहा है लगभग 12:30 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और बिना कुछ खाए पिए ना दिमाग चल रहा है ना शरीर चल रहा है, तो पहले कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। सब लगभग सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ है या नहीं है देख लें भाई। तो यह इसे कहते हैं किस्मत, ना खाना मिला ना नाश्ता मिला, अब सिर्फ चाय पी करके काम चलाना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं भगवती नगर बेस कैंप में और इस समय टाइम हो रहा है 2:50 और सारी तैयारियां हो चुकी हैं हमारी। अब बस हम जा रहे हैं अपनी बस पकड़ने के लिए और कुछ ही देर में हमारी बस लगने वाली है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं बस स्टॉप पर और चल करके अपनी बस में बैठ जाते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। और बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो साथ है ओ, दूर हो के भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। तो इस वक्त हमें एक भंडारे में रोका गया है, तो यहाँ पर चल करके हम कुछ खा पी लेते हैं जल्दी से क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। और टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमें सिक्योरिटी रीज़न से कन्वाई ने सिर्फ 15 ही दिए हैं यहाँ पर रुकने के लिए कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर चल करके हम जल्दी से कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि हमें वापस से अपनी बस में बैठना है और चल करके अपना सफ़र स्टार्ट करना है फिर से।
मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती लोके परवान राणम, नतावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभ सर्वभूतादि वासम। ध्यान में है मगन तन पे ओढ़ के रचोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। आसन है नीचे ना है कोई खटोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। मस्ती करो अब मेरे शंकरा, भांग रगड़ के बोलिए गौरा, तुम नहीं रजे अगोरा वाट के रची है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा। तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही असत्य बाकी जिंदगी भी ना सगी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती लोके परवान राणम, नतावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभस। तो हम पहुंच चुके हैं पहलगाम बेस कैंप में और अब हमें अपनी चेकिंग करवानी है, उसके बाद में हम अंदर जाएंगे और देखिए अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। क्या रहे आरएफआईडी कार्ड के बिना आपको आगे जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ चल करके पहले हमें अपनी चेकिंग करवानी है एंड उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या ये इंस्ट्रक्शन देते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। और सिक्योरिटी आप देख सकते हैं काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है, और मैंने आपको रास्ते में भी दिखाया था कि कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी, बिल्कुल पूरी तरीके से आपको कवर करके लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर भी आपको पूरा कवर दिया जाता है सिक्योरिटी का। तो इस तरफ से हमारी चेकिंग हो गई, मतलब कि हमारा जो RFID कार्ड था उसको वेरीफाई कर दिया गया, और इधर हमारे जो बैग थे उसको चेक किया गया और हमारी भी चेकिंग हो गई है। अब हम चलेंगे मेनवान बेस कैंप चंदनवाड़ी में और वहाँ चल करके अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें टैक्सी करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर है। तो देखते हैं कि क्या मिलता है हमें, कौन सी टैक्सी मिलती है। बाकी दोस्तों आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर ही हैं, और इधर से आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अभी तक तो धूप निकली हुई थी लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, तो देखते हैं कि क्या होगा। बारिश ना हो जाए, अगर बारिश होगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ट्रैकिंग करने में। बाकी वहाँ पर भी डिपेंड करता है कि वो ट्रैक हमें स्टार्ट करने देंगे कि नहीं, मतलब कि यात्रा आज हमें स्टार्ट करने देंगे या नहीं। यहाँ पर भी कढ़ी चावल है, रोटी भी है, और इधर क्या है, आई थिंक इधर छोला वगैरह है। हाँ तो इधर छोला भी है, दाल भी है, रोटी भी है। तो दोस्तों लंगर में खाना वाना खा लिया हमने, और दोस्तों खाते खाते अचानक से बारिश भी होने लग गई तो जल्दी जल्दी खाना पड़ा, तो खा करके मैं वापस से आ गया अपने टेंट में। और चांस की बात, जैसे ही मैं टेंट के अंदर आया वैसे ही बारिश भी रुक गई, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं कुछ ना कुछ। खैर दोस्तों लंगर में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, लंगर में क्या मुझे इस पूरे स्थान पर एक चीज़ अच्छी लगी कि आपको हर कोई यहाँ पर भोले भोले करके ही बोलेगा, आप चाहे छोटे हों या बड़े हों या जैसे भी हों, आपको हर कोई भोले ही बोलेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा
कोई भी बोल रहा है खाइए बोले लीजिए बोले, तो इस तरीके से लोग बोल रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और बाकी दोस्तों वापस से टेंट में आए हैं, तो पहले तो टेंट की इस हुडिये को चेंज करना पड़ेगा, कि आप देख सकते हैं क्यों भाई इतनी ज़्यादा नींद लगी है कि बस भाई बहुत यार। तीन दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या करें भाई। तीन दिन से ट्रैवल खाली तुम ही कर रहे हो भाई। अबे भाई क्या करें, देख लो इतना सामान, देख लो 30 किलो का बैग है ये, 30 किलो का। सुनो ऊपर बर्फ है यार, नीचे यार बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, ज्यादा नहीं। देखो अभी रुक जाओ, अभी रात होने दो, अभी तुमको लग रहा है, अभी यहाँ पर भी भाई वहाँ पे बर्फ, अभी यहाँ पर भी समझ में आएगा। लाठी यहीं से ले लो भाई। कितने की होगी? 20 रुपए की है भाई लाठी। कितने की है? 20 रुपए की। क्या है भाई ये? कश्मीरी कावा। मोहित भाई है, श्याम भाई, राहुल भाई, इधर प्रांशु भाई है, ये आलोक भाई इधर बैठा हुआ है। सब लोग ने अपना अपना कोना पकड़ लिया, लेकिन यार ये वाला कोना क्यों खुला छोड़ दिया भाई? मतलब मुझे इधर लेटना है अगर, तो यहाँ पे ये खुला हुआ है, गद्दारी कर दे। डिब्बा रख दो भाई जूते वाला वहाँ पे। बहुत बड़ा जूता डब्बा है यार, बहुत बड़ा। बस बस वाह भाई वाह वाह, इतना बढ़िया, इतने बढ़िया बन गए। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अभी देखते हैं हम बाहर कैसा सीन है, क्योंकि बहुत से लोग लाइन में लग भी चुके हैं, काफ़ी अच्छी खासी लाइन बाहर लगी हुई है। और दोस्तों बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब हालत ख़राब हो रही है।